नमस्कार दोस्तों, गदर 2 के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। देखा जाए दोस्तों, फिल्म के डायरेक्टर अनिल शर्मा ने गदर 2 को लेकर के एक बहुत बड़ा ट्वीट करा है और ट्वीट करके के उन्होंने बताया है कि गदर 2 के 24 घंटे के अंदर 60 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज हासिल हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर हम उनके ट्विटर हैंडल की बात करें तो उन्होंने अपने ट्वीट पर देखा जाए एक पोस्ट शेयर करते हुए उन्होंने लिखा है कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, सावन के महीने में महारुद्र भोले बाबा की महान कृपा है, 24 घंटे 60 मिलियन व्यूज। देखा जाए दोस्तों, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जहां बहुत लोग इसके ट्रेलर को लेकर के बुराई बता रहे थे, कह रहे थे कि इसका जो ट्रेलर है वो बहुत ही घटिया है और इसके ट्रेलर को लेकर के कह रहे थे इससे अच्छी तो वेब सीरीज बनती है, और ये उन सबके मुंह में देखा जाए एक जोरदार तमाचा है दोस्तों। क्योंकि देखा जाए, अगर हम इसके 60 मिलियन व्यूज की बात करें तो आज तक हिंदी सिनेमा की किसी भी मूवी के ट्रेलर ने ये रिकॉर्ड नहीं हासिल किया है। अगर हम नंबर 1 मूवी की बात करें तो नंबर 1 मूवी में थी आदि पुरुष, जिसको 52 मिलियन व्यूज मिले थे हिंदी वर्जन में। मैं खाली दोस्तों हिंदी वर्जन की ही बात कर रहा हूँ। अगर हम KGF 2 की भी बात करें तो KGF 2 को हिंदी वर्जन में देखा जाए 52 मिलियन व्यूज मिले थे, और वहीं देखा जाए गदर 2 को 24 घंटे के अंदर 60 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं। लेकिन कुछ रिपोर्ट के हिसाब से बताया गया है कि इसको 17 चैनल में इसके ट्रेलर को लॉन्च किया गया है, जो कि एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और इन सबको मिला के देखा जाए इसके 60 मिलियन व्यूज हासिल हो चुके हैं। दोस्तों, गदर 2 मूवी से जुड़ी या सनी देओल से जुड़ी जैसे ही कोई बड़ी अपडेट निकलती है हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। वैसे दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय।